चलिए बढ़ते आगे, एक अहम खबर इस बीच आपके लिए लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को मंजूरी दी है। आखिर पूरी खबर क्या है? सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए इस खबर के क्या मायने हैं और क्या असर है इसका? सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो पावर दे दिया है जहाँ पे वो रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। मोर ओवर ये जो रॉयल्टी है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ चार्ज कर सकते हैं कंपनीज पे, तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया है सारे मेटल कंपनीज के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब से लेके कब तक होगा, तो April 1, 2005 से लेके अब तक का वो पूरा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और बट जो पेमेंट होगा ये आगे थोड़ा स्टैगर वे में कर सकते हैं, मतलब आगे के 12 साल में डिवाइड करके वो ये पेमेंट कर सकते हैं मेटल कंपनीज। और स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट उस पर लगाने के लिए अलाउ नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव है कि कैश फ्लो पे उसका ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 साल मिलेंगे कंपनीज को पुराना जो टैक्स है उसको रिपे करने के लिए, प्लस उस पर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी भी नहीं लगेगा। तो अभी कौन सी कंपनीज पे इसका इंपैक्ट आ सकता है? फिलिप कैपिटल के हिसाब से स्टील कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। टाटा स्टील ने क्लियरली कहा है कि उन पे जो पोटेंशियल लाइबिलिटी है वो करीब 17,300 करोड़ की है, और एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि स्टील कंपनीज पे जो इसका इंपैक्ट होगा वो करीब 2-6% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हो सकता है। एल्यूमिनियम कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंपैक्ट मिनिमल है, 1-2% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन का इंपैक्ट एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट इंडालको ने भी अपने अर्निंग्स कॉल पे क्लैरिफाई किया था कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उन पे नहीं लागू होगा, और जो आगे चल के टैक्स लागू होगा उसका एबिटा पे अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो सिर्फ 0.01% आने की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नुवामा का मानना ऐसा है कि सेल पे जो इम्पैक्ट है वो करीब 3,000 करोड़ का हो सकता है, जो कि करीब 7 रुपये प्रति शेयर का इम्पैक्ट है। कोल इंडिया पे करीब 5-6 हज़ार करोड़ का इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है, जो कि करीब 10 रुपये प्रति शेयर का होता है। JSW स्टील पे करीब 4,800 करोड़ का इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि 20 रुपये प्रति शेयर है। और हिंदुस्तान जिंक पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2,800 करोड़ का इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशन है, जो कि करीब 6-7 रुपये प्रति शेयर का है। बट एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव है इस बात को लेकर कि कंपनीज़ को 12 साल मिलेंगे ये पेमेंट करने के लिए, और इस पर कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है कैश आउटफ्लो के लिए। स्वामित, आपका तमाम डिटेल्स के लिए, वैसे हमने तमाम मेटल स्टॉक्स पर इसके इंपैक्ट पर पहले भी चर्चा कर ली थी, तो ये खबर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि आखिर किस तरह की देनदारियां हैं बड़ी कंपनियों पे और क्यों इसको मेटल सेक्टर जो हैं वो नेगेटिव इसका इंपैक्ट नज़र आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। चूँकि मेटल पर हमने चर्चा कर ली है तो इसलिए दोबारा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चेन्नई पेट्रो का ज़रा स्टॉक का देखिए इस वक्त नीलेश जी, लगभग 9% की तेज़ी हमें चेन्नई पेट्रो में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देखें तो चूंकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम नज़र आया था, लेकिन आज अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आप BPCL पे भी ज़रा राय दीजिए, वहां पर क्या नजरिया बन रहा है, लेकिन पहले चेन्नई पेट्रो को देख के बताइए। प्रशांत जी, देखिए चेन्नई पेट्रो में आज एक काफी बड़ा उछाल हम देख रहे हैं, लगभग 9% का उछाल है, और 900 के लेवल से हमें ये रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये जो पुल बैक है वो यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है, और ऊपरी स्तर पर 1,000 और 1,050 तक की ओर काउंटर जा सकता है। बट इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार कीजिए अगर कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव से जानना चाहता है तो, और ऑलरेडी जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो एक बार के लिए बने रह सकते हैं 940-945 के स्टॉप लॉस से। और स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है फ्रॉम अ पुल बैक पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ओवरऑल OMC स्टॉक्स में भी आज हमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। BPCL इनफैक्ट एक प्रीफर्ड बेट हो सकती है विद इन दिस स्पेस, और जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, एक ब्रेकआउट कुछ समय पहले हमें देखने को मिला था इन द मंथ ऑफ जुलाई, अब यहाँ पे वो ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट करके काउंटर एक रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं 305-310 के स्टॉप लॉस से, 340-345 तक का पुल बैक हमें BPCL में देखने को मिल सकता है। पोजिशनली भी यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ थोड़ी सी नजर आ रही है। BPCL प्रेफर्ड पिक हो सकती है फिलहाल, और